अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तीर्थ है, जहां पहुंचने के लिए शिव के भक्तों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दिलचस्प की बात यह है कि बाबा बर्फानी का मंदिर समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद हर हिंदू अपने जीवन काल में एक बार इस यात्रा में जरूर जाना चाहता है। दोस्तों, अगर आप भी इस बार महादेव का दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको अमरनाथ की यात्रा पर किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमरनाथ की यात्रा साल के किस वक्त होती है, वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, आपको यात्रा कैसे करनी है, वहाँ पर रहने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि अमरनाथ की यात्रा में आपको खर्चा कितना आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आपका अपना चैनल हमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत कब होती है। अमरनाथ यात्रा की तारीख गुफा की देखभाल करने वाले अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा तय की जाती है। 2023 में अमरनाथ इस साल 30 जून से स्टार्ट होगी, जो 43 दिनों तक चलेगी, और आवेदन की प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू होगी, और अमरनाथ यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय यही होता है। दोस्तों, बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सी परेशानियां होंगी, इसलिए आप अमरनाथ की यात्रा की तैयारी के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यात्रा पर निकलने से पहले पूरा दस्तावेज और मेडिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। दोस्तों, हर साल अप्रैल माह से अमरनाथ का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों, यहां पर नोट करने वाली एक बात है कि अगर आप अमरनाथ जाने का प्लान बना चुके हैं तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि हर साल 7,000 से 8,000 ही लोगों को रजिस्ट्रेशन का परमिट दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन परमिट पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो 7,000 से 8,000 ही लोगों को दिया जाएगा परमिट। तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको परमिट मिल जाएगी, और इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाके अपना परमिट ले सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है, इसलिए वेबसाइट से आप एक फॉर्म डाउनलोड करके उसे आप भर कर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, CSC या डॉक्टर से परमिट बनवा सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर बात कर लेते हैं कि अगर आप ऑफलाइन यात्रा पर्ची निकलवाना चाहते हैं तो आप अपने घर के निकटतम पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक या फिर यस बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर रजिस्ट्रेशन करके पर्ची निकलवा सकते हैं। अगर आप अमरनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए तीन चीजों की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है, जिसे आपको पूरा भरना होता है। यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति का हेल्थ सर्टिफिकेट और श्रद्धालु की 4 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 13 साल से 75 साल के बीच है तो आप यात्रा कर सकते हैं, जबकि 6 महीने से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को इस यात्रा में जाने से रोक दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अमरनाथ की यात्रा कैसे करें। मूल रूप से तीर्थ यात्रियों के लिए 2 रास्ते तय किए जाते हैं, पहलगाम से और बालताल से, लेकिन फिर भी बहुत से यात्रियों को श्रीनगर से यात्रा शुरू करना पसंद है। इसका प्रमुख कारण है श्रीनगर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड। लोग अपनी लोकेशन से यहां तक बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं। श्रीनगर से पहलगाम, श्रीनगर से पहलगाम के लिए बहुत सी शेयर्ड टैक्सी चलती है। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 88 किलोमीटर की दूरी है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 1A और KP रोड के माध्यम से आपको लगभग 2.5 घंटे लग जाएंगे। श्रीनगर से बालताल, श्रीनगर से बालताल के लिए सीधी टैक्सी मिलती है, यह आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 1K माध्यम से लगभग 3 घंटे 14 मिनट 95 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए आपको पहुंचा देगी। आप बस और टैक्सी से भी पहलगाम पहुंच सकते हैं। दिल्ली से नियमित तौर पर बस सेवा उपलब्ध रहती है, और दिल्ली से अमरनाथ 631 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
दोस्तों अगर आप रेल मार्ग से भी आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जम्मू रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। वहीं से 10-15 मिनट की दूरी पर आपको भगवती नगर यात्री कैंप है और भगवती नगर यात्री कैंप से पहलगांव बालताल के लिए बस जाती है। जम्मू रेलवे स्टेशन से पहलगांव की दूरी 263 किलोमीटर है। यहां से आपको 500 रुपए किराया देकर आप बालताल और पहलगांव जा सकते हैं। और अगर आप हवाई मार्ग से आते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट श्रीनगर है जो कि 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से उतरने के बाद आप बस और टैक्सी के द्वारा बालताल या पहलगाम आ सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग बालताल और पहलगाम ये दो नाम पहली बार सुन रहे हैं। बालताल और पहलगाम ये दो वही नाम है जहां से आपको बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा स्टार्ट करना है। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि अमरनाथ की यात्रा करने के लिए दो रास्ते क्यों हैं और इसमें क्या अंतर है और आपको कौन से रास्ते पर जाने से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप बालताल से अमरनाथ की गुफा तक यात्रा करते हैं तो कैसे करें। पहला ऑप्शन है पैदल चलकर यात्रा करना। यह ट्रैक बालताल बेस कैंप से शुरू होता है जो अमरनाथ गुफा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। बुलंद रास्तों और सीधी चढ़ाई के कारण इस मार्ग पर ट्रैकिंग करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। बालताल से अमरनाथ की ट्रैकिंग करना बहुत ही ज्यादा टफ होता है, लेकिन फिर भी कुछ यात्री यहां से भी ट्रैकिंग करते हैं। और पहला पड़ाव डोमेल बेस कैंप से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और इसका दूसरा पड़ाव आता है बाबरी मार्ग जो डोमेल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप संगम पहुंचेंगे और फिर 3 किलोमीटर ट्रैक के बाद आप अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक तीर्थ यात्रा कैसे करें। पहला है पैदल यात्रा। पहलगाम अमरनाथ ट्रैक बेस कैंप है जो अमरनाथ गुफा से 47 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी आपको 47 किलोमीटर की ट्रैकिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग करना है। सभी यात्री पहलगाम से चंदनवाड़ी तक 16 किलोमीटर की दूरी को शेयरिंग टैक्सी लेकर मात्र 150 रुपए देकर चंदनवाड़ी के बेस कैंप तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद असली ट्रैक शुरू होता है। चंदनवाड़ी में आराम करने के लिए टेंट और खाने की सुविधा भी मिल जाएगी। दोस्तों यहां से आपको 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग करना होगा। अगला पड़ाव 3 किलोमीटर की दूरी पर पिस्सू टॉप है, जिसके बाद आप 9 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग पहुंचते हैं। शेषनाग में ही आपको शेषनाग झील देखने को मिलेगा जो कि 12,200 फीट की ऊंचाई पर शिखरों से घिरी हुई बहुत ही सुंदर और आकर्षण झील है। यहाँ पर स्नान करने के बाद चढ़ाई में हुई जितनी भी थकावट होती है वो आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दोस्तों शेषनाग में आपको रुकने के लिए फ्री रहने खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है। अगर आपको टेंट फ्री नहीं मिलता तो आप 350 रुपए देकर यहाँ पर टेंट लेकर एक रात आराम से आप गुजार सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि अगर आप दोपहर के 1 बजे के बाद पहुँचते हैं तो उस दिन आपको आगे की चढ़ाई नहीं करनी दी जाएगी। उसके बाद अगले दिन आपको प्रस्थान करना होता है पंचतरणी के लिए शेषनाग से जो कि 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहां से चढ़ाई और भी कठिन होती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए यात्रा के दौरान कपूर साथ लेकर जरूर जाएं। सांस फूलने पर आप कपूर को सूंघ सकते। यहां पर अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो सांस लेने की तो आप यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले सकते हैं। पंचतरणी पहुंचने में आपको 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। पंचतरणी का नाम यहाँ पर बहने वाली 5 नदियों के कारण पड़ा है। अगले दिन आप सुबह 6 किलोमीटर और चलेंगे और चलने के बाद 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद आप अमरनाथ की गुफा तक पहुँच जाएंगे। अब आप महादेव का नाम लेते लेते किसी तरह पहुँच गए बाबा बर्फानी की गुफा में तो आपको लाइन लगाकर बाबा का दर्शन करना होता है। और आपका दर्शन अगर सुबह में हो जाता है तो आप उसी टाइम से उतरने के लिए शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बाबा की गुफा के आसपास रहने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से आप बालताल के रास्ते आसानी के साथ वापस आ सकते हैं। पहलगाम से होते हुए अमरनाथ की गुफा तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 3 से 5 दिन का समय लगेगा। वहीं अगर आप बालताल से ट्रैकिंग करते हैं तो आप 1 दिन में भी पहुँच सकते हैं बाबा अमरनाथ की गुफा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टफ और संकरा रास्ता है। दोस्तों मेरी राय अगर आप पूछ रहे हो और ज्यादातर यात्री यही
यही करते हैं कि पहलगाम से यात्रा करते हैं और बालताल के रास्ते वो वापस आते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों आपको सिर्फ अपने माइंड में एक बार बाबा का दर्शन करने के लिए मन मनाना होगा और किसी तरह जम्मू रेलवे स्टेशन आना होगा। जम्मू रेलवे स्टेशन आने के बाद आपका एक भी पैसा खाने पीने में नहीं लगेगा, क्योंकि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा हर जगह आपको खाने पीने की व्यवस्था फ्री संचालित कराई गई है। भगवती नगर यात्री कैंप से लेकर चाहे जम्मू हो, चाहे श्रीनगर हो, या बालताल हो, पहलगाम हो, बाबा बर्फानी की गुफा तक आपको खाने पीने की व्यवस्था फ्री मिल जाएगी। तो आपको खाने पीने की कोई भी चिंता नहीं करनी है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर आप घोड़े, खच्चर और हेलीकॉप्टर से बाबा बर्फानी का दर्शन करना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा और कैसे जाना होगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आप पहलगाम मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपको कितना खर्चा लगेगा। दोस्तों इस रास्ते से जाने पर यहां पर घोड़े और खच्चर बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचाने और वापस आने के लिए 9000 रुपए लेते हैं। वहीं अगर आप पालकी से जाना और आना चाहते हैं तो लगभग 28,000 रुपए आपका लगेगा। इसलिए हमारी राय है कि अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, जिसका आने और जाने का किराया मात्र 6200 रुपए होता है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने के लिए आप श्री अमरनाथ जी श्राइन.com से बुक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि बालताल मार्ग से अगर आप जाते हैं तो इस रास्ते से जाने के लिए आपको घोड़े और खच्चर का किराया कितना लगेगा। दोस्तों अगर आप इस रास्ते से घोड़े और खच्चर लेते हैं तो आपको आने जाने में 9000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। वहीं अगर आप पालकी लेते हैं तो पालकी से आने और जाने का किराया 15,000 से 16,000 रुपए आपका लगेगा। वहीं अगर आप इस रास्ते में हेलीकॉप्टर से आना जाना चाहते हैं तो 3600 रुपए में बड़े आसानी के साथ आप वापस आ और जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली एक बात और है। दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा ना खर्चा करना पड़े और पैदल यात्रा कर लूंगा, तो आपको बता दूं कि थोड़ी दूर चलने पर भी एक नॉर्मल इंसान जो कभी गुटखा, सिगरेट, पानी सब कुछ भी खाता पीता नहीं है, उसे रास्ते में घोड़े का सहारा लेना पड़ जाता है। तो आप सोच लो कि आपकी बॉडी किस तरह से काम कर सकती है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप पैदल किसी तरह पहुंच भी गए तो रास्ते में आपको रुकना पड़ जाएगा, 2 से 3 दिन आपको रुकना ही पड़ेगा। वहीं अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो 3 से 5 हजार रुपए के बीच पैसा खर्चा करके आप बाबा बर्फानी का दर्शन करके 15 मिनट में वापस आ सकते हैं। इसलिए जो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं वो हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करें। लेकिन दोस्तों जो लोग पहाड़ और एडवेंचर को दिल से पसंद करते हैं उनके लिए पैदल यात्रा करना बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप पहलगाम से यात्रा करना चाहते हैं तो कम से कम कितने दिन का टूर बनाएं। दोस्तों अगर आप पहलगाम से यात्रा करना चाहते हैं तो कम से कम 6 दिन का टूर बनाना चाहिए। वहीं अगर बालताल से यात्रा करना चाहते हैं तो 3 दिन का टूर प्लान बनाना होगा। और दोस्तों इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि यात्रा के दौरान आपके मोबाइल का नेटवर्क देखने को नहीं मिलेगा। यात्रा के दौरान BSNL कंपनी का सिम होना चाहिए, उसी का नेटवर्क थोड़ा बहुत कहीं कहीं आ जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अमरनाथ की यात्रा के दौरान कितना खर्चा लगेगा। दोस्तों बाबा बर्फानी की कृपा अगर आपके ऊपर अच्छी रही तो आपको खाना पीना रहना सब कुछ फ्री मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका पैसा लगेगा भी तो 3000 रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा। आप 3000 रुपए में बड़े आराम से बाबा अमरनाथ की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपके शहर से जम्मू तक पहुंचने का किराया शामिल नहीं है, तो वो आप अलग से खर्चा ऐड कर लें। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आया हो और आपके लिए 10% भी काम आया हो तो आपका अपने चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो। जय हो बाबा बर्फानी, हर हर महादेव।